एक बड़े बदलाव के संकेत खिलाड़ी लाल बैरवा ने दिए हैं कि रायपुर अधिवेशन के बाद में एक बड़ा बदलाव होगा। खिलाड़ी लाल जी, क्या बदलाव के संकेत दिए हैं आपने, किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में बदलाव होगा? भाई, राजस्थान को जब चुनाव में जाना है 8-10 महीने बाद में, तो निश्चित रूप से अधिवेशन में डिस्कस होगा और डिस्कस बाद में नए रूप में क्या नाम राजस्थान का जितने भी वो हैं वो सिस्टम बनेगा और चुनाव में जाएगा। लेकिन पायलट साहब ने कल बयान दिया था कि 3 लोगों पर जो कार्रवाई नहीं हो रही, अनुशासन समिति जो है कार्रवाई नहीं कर रही, काफी लेट हो गया है। उन्होंने ठीक कहा है, बयान दिया तो अच्छा दिया है, सही है, तो वो नहीं हो रही है तो उसको क्या नाम बारे में ये डिस्कशन होगा अधिवेशन में कि ये डिले क्यों हुआ, तो उसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत आपने दिए हैं, और अगर जो है जल्दी बदलाव होता है तो सरकार रिपीट होने की बात भी कही है सचिन पायलट ने कल। बदलाव के संकेत लगातार कंटिन्यू जारी हैं, लेकिन ये जो अधिवेशन है ये एक गाइड वो है, स्टॉप वाला, इसके बाद में मैं सोचता हूँ कि ये बदलाव निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत को असेट बताया था आलाकमान ने, असेट्स हैं, आलाकमान ने बताया, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ असेट्स में हम सम्मान करते हैं सचिन पायलट, वो असेट्स अशोक गहलोत जी एक फिक्स डिपोजिट असेट्स है। अब सचिन पायलट वर्किंग कैपिटल है, तो उनको तो अभी आज चुनाव में बीच में लाना बहुत जरूरी है, उसी से तो कहना राज आएगा। चलिए, ये कॉमर्स की भाषा बोल, एक आखिरी सवाल मेरा है कि जो बजट आया है, बजट को लेकर जो है सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है सरकार इसी बजट से रिपीट होगी। बजट अच्छा है, नो डाउट, लेकिन चुनाव में जाने का एक अलग सिस्टम होता है। सरकार काम करती है, काम के साथ साथ एक जो आपकी कास्ट कम्युनिकेशन है उसके तहत ये चीज निकल तय करने के बाद में फिर सोशल इंजीनियरिंग, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं ना, उसके तहत चुनाव लड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे खिलाड़ी लाल बैरवा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रायपुर अधिवेशन के बाद में राजस्थान में जो है बड़ा बदलाव होगा, और सचिन पायलट जिस तरीके से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर समर्थन जताया है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो तीन लोग हैं जो कांग्रेस में, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो आलाकमान, तो ये इन्होंने साफ तौर पर कहा है और कार्रवाई करने की उन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि राजस्थान में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा रायपुर अधिवेशन के बाद में।